लाहौर के अन्य 131 में इलेक्शन मुहिम, तहरीक इंसाफ और नून लीग के कारकुन आमने सामने, पीटीआई कारकुनों ने फायरिंग की, नून लीग का इल्जाम, दोनों जमातों ने एक दूसरे के खिलाफ दरख्वास्त जमा करा दी। ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि फायरिंग से नून लीग के दो कारकुन जख्मी हुए, तहरीक इंसाफ की क्यादत मामले का नोटिस ले। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी अमरीका के 10 रोजा दौरे के बाद वतन वापस पहुंच गए। वजीर खारजा ने अक्वाम मुतहदा की जनरल असम्बली में शिरकत की, 40 से ज्यादा ममालिक के वफूद से मुलाकातें की। अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो, कौमी सलामती के मुशीर जॉन बोल्टन और आला अमरीकी हुकाम से भी मिले। वफाकी काबीना में चौथी बार तौसी, वजीर आजम इमरान खान ने मंजूरी दे दी। अली अमीन गंडापुर, फैसल वारा, अजम सवाती, मोहम्मद मियाँ सोमरो, साहबजादा महबूब सुल्तान आज बतौर वफाकी वजीर हलफ उठाएंगे। जरताज गुल को वजीर मुमलिकत बना दिया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुमताज कालू मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के नए चेयरमैन मुकर्रर। IMF का दबाव काम कर गया, आवाम पर गैस की कीमतों का बोझ पड़ गया। गैस 10% से 145% तक महंगी, CNG और कमर्शियल सारिफिन के लिए गैस 40% महंगी। सर्दियों में जेब भारी होगी तो गैस हीटर और गीजर चलेंगे। नरखों में इजाफे का इत्तलाक 27 अक्टूबर से होगा। नान रोटी बिजली सीमेंट और खाद महंगी। पंजाब की टेक्सटाइल सनत का मौकिफ तस्लीम, पूरे मुल्क में सनतों के लिए गैस की यकसा कीमत मुकर्रर कर दी गई। एप्टमा रहनुमा गौहर एजाज का कहना है फैसले पर वजीर आजम इमरान खान के मशहूर हैं कि उन्होंने वादा पूरा किया, कप्तान की पूरी टीम ने पंजाब के सनतकारों का दिल जीत लिया। और पाक अरब सोसाइटी स्कैंडल, नैब ने सोसाइटी के मालिक अमार गुलजार को लाहौर हाईकोर्ट के बाहर से गिरफ्तार कर लिया। मलिक अमार गुलजार पर अरबों रुपए की करप्शन का इल्जाम है।